नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बड़े भाई विजय लाल यादव की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उनकी फॉर्चुनर कार काफी तेज गति से जा रही थी। इस दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से फॉर्चुनर काफी दूर हवा में उछलकर पलट गई। कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती। दुर्घटना की वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क दुर्घटना के शिकार हुए विजय लाल यादव को बाराबंकी में प्राथमिक उपचार के बाद मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के अनुसार यह घटना बाराबंकी में सुबेहा थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से जा रही कार के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद उनकी कार लगभग 20 मीटर तक ऊपर उछल गई। निरहुआ ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि उनके बड़े भाई की कार लखनऊ जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा, प्रवेशपाल और कवि वहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कराने में सफल हुए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।